इमरान साहब आपके लिए सावधान होना जरूरी है, क्योंकि जिस कश्मीर की रट लगाए आप अंगारों से खेल रहे हैं वो तो कभी आपका होगा नहीं, लेकिन जो आपका अपना है आप उसे जरूर खो बैठेंगे। और अगर हम पर यकीन ना हो तो जरा इतिहास के पन्ने ही पलट कर देख लीजिए। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी आपने किसी हाथ में भारतीय विमानों के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया था, लेकिन आपका ये दाग खुद आप पर ही उल्टा पड़ गया था। पाकिस्तान को एयर स्पेस बंद करने पर तकरीबन 688 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा था, जो भारत की तुलना में 200 करोड़ से ज्यादा था। कुछ याद आया जनाब, किस तरह 140 दिन के भीतर ही आपकी अकल ठिकाने आ गई थी और भारतीय विमानों के लिए एयर स्पेस खोल दिया गया था, लेकिन एक बार फिर आप और आपकी सरकार के मंत्री कश्मीर के मुद्दे की जिद लिए शोलों पर चलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तभी तो मंगलवार को आपकी सरकार में मंत्री फवाद चौधरी ने बयान दिया कि पाकिस्तान अपना एयर स्पेस हिंदुस्तान के लिए पूरी तरह बंद करने पर विचार कर रहा है, और बुधवार को कराची एयर स्पेस को अगले 3 दिन के लिए बंद कर भी दिया गया। हालांकि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा है कि इस प्रतिबंध का भारत और पाक के बीच चल रहे तनाव से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की कथनी और करनी में कितना फर्क है ये सभी जानते हैं। एयर स्पेस बंद करने का फैसला अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी से जूझता पाकिस्तान अगर एयर स्पेस को पूरी तरह बंद करता है तो उसे लेने के देने पड़ जाएंगे, और इस बार तो नुकसान की भरपाई करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इमरान साहब जरा होश में आइए और कश्मीर की रट छोड़कर अपने मुल्क की बुनियादी समस्याओं पर गौर फरमाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।